हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको बेसिक में करा चुका। प्रीवियस क्लास में आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे, क्या क्या है, क्या है एक्चुअल, इसका लॉजिक है, सब कुछ क्लियर कर दिया था। 11 क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज की इस क्लास के अंदर। 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और देखते हैं आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे और सिखाना है जो कि क्वेश्चन के बीच में ही आएगा, अलग से फर्दर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्वेश्चन के बीच में ही आएगा, पर अभी बेसिक है। जैसे वो आएगा मैं आपको बता दूंगा ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर वो कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। तो अभी पिछली क्लास के अंदर जो हमने फॉर्मेट सीखा था डिटेल में, वो फॉर्मेट से आप क्वेश्चन करते हैं। कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टू शो मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड प्रॉफिट। ये सब निकालना है। प्राइम कॉस्ट निकालनी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है और प्रॉफिट। पांच चीजें पूछी, पांचों चीजें निकाल देंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, पांचों चीजें निकल जाएगी। आपको रॉ मटेरियल दे रखा है, देखो ये होता है ओपनिंग 2015 के शुरुआत में है और यह है क्लोजिंग 2015 का एंड है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेज है और ये क्लोजिंग बैलेंसेज है, पता है आपको कहाँ काम आने वाला है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। तो हमें एक स्टेटमेंट बनानी है जो हमें बताएगा कि कॉस्ट शीट, डिटेल बताएगा सर कॉस्ट शीट के बारे में, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। चलिए आइए, तो ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखते हैं दोस्त, डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल निकालने का तरीका यहां भी लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है ये, डायरेक्ट मटेरियल बोलो या रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलो। तो कैसे निकालेंगे, हेड बना दिया मैंने, यही निकाल देता हूं अलग से। क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिज इनवर्ड भी आता है, पर कैरिज इनवर्ड तभी लिखना है जब क्वेश्चन में आपको दिया गया हो। क्वेश्चन में कहीं पर भी कैरिज इनवर्ड नहीं दे रखा है तो उसको इग्नोर कर देंगे। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दोस्तों इसको आप वर्किंग नोट में ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं पर बनाना, फॉर्मेट में अलग से वर्किंग नोट क्या बनाए, इसलिए फॉर्मेट में बना सकते हैं। देखिए अब रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 और परचेज ड्यूरिंग द ईयर करिए 9 लाख रुपए। तो ओपनिंग स्टॉक है 60,000, 9 लाख रुपए की परचेज करी है और क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपए। तो बाहर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा सर, 9,10,000 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया, 9 लाख प्लस 60 और 50 माइनस 9,10 हो जाएगा। इसके बाद ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या ऐड करते हैं दोस्त, डायरेक्ट लेबर। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है तभी लिखना है, अदरवाइज नहीं करना। तो डायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट लेबर में आता है वेजेस पेड। जो वेजेस पे किया जाता है इट इज कवर्ड अंडर डायरेक्ट लेबर। तो वेजेस पेड कितनी करिए, 5 लाख की। तो यहां लिख दो पूरा 5 लाख रुपए, ये आ गया डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कोई नहीं दे रखे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देंगे और यही आपकी क्या बन जाएगी, प्राइम कॉस्ट बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो कितना आ जाएगा सर, ये 9,10,000 प्लस 5 लाख, ये आ जाएगा 14,10,000। 9,10,000 प्लस 5 लाख आ जाएगा 14,10,000। अच्छा प्राइम कॉस्ट ऐड करने के बाद बताओ क्या होता है, एक मिनट ये प्राइम कॉस्ट ऐड करने के बाद सबसे पहले हम ऐड करना पड़ता है फैक्ट्री ओवरहेड। या तो आप डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा होगा या फैक्ट्री ओवरहेड के नाम के खर्चे दे रखे होंगे। जैसे कि क्या क्या आता है, देखो डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा, खर्चे नहीं दे रखे, पर आगे जाकर देखना लिस्ट ऑफ दी फैक्ट्री ओवरहेड खर्चे आएंगे। तो मैंने ऊपर लिस्ट दिखाई थी, फैक्ट्री ओवरहेड अभी डायरेक्टली दे रखा है
तो 2 लाख रुपए फैक्ट्री ओवरहेड है, ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, याद है फॉर्मेट क्या आता है दोस्त? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सर, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। याद है इसका लॉजिक, मैंने आपको क्लियर करा था। जो गुड्स अभी बने ही नहीं इस साल, जो WIP जो गुड्स अभी बने ही नहीं, क्या वो बिक जाएंगे? जिस साल वो बिकेंगे उसकी कॉस्ट भी उसी साल इंक्लूड करी जाएगी। लो भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, ये देखा वर्किंग प्रोग्रेस जो है वो 24,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग का है 30,000 रुपए। तो 24,000 हम ऐड कर देंगे और 30,000 हम माइनस कर देंगे, यह है क्लोजिंग। इसका जोड़ने पे कितना आया था? 16,10,000 रुपए। ऐड करते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्या नाम देते हैं? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें क्या करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसमें ऐड करेंगे, कहाँ है जी? ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डायरेक्टली आपको दे रखा 50,000, 50,000 ऐड। पहले इसको सॉल्व कर लूं भाई, 16 लाख में से प्लस करेंगे 24,000 और माइनस करेंगे 30,000, तो आ जाएगा 1,60,000, 1 लाख नहीं 16,04,000, 16,04,000। इसमें 50,000 और ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 16,54,000, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। क्या नाम देते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। मैं कुछ नहीं कर रहा दोस्त, जैसे जैसे फॉर्मेट दे रखा है वैसे वैसे मैंने फॉर्मेट सिखाया था उसी तरीके से कर रहा हूं। इसके बाद ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो फिनिश गुड आपको दे रखा है 1,20,000 ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है 1,10,000। तो 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और 1,10,000 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इसको एड लेस करने के बाद जो निकल कर आता है उसको हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक एक लॉजिक आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आता है। इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इधर करते हैं 16,54,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,10,000, यह आ जाएगा 16,64,000 रुपए। अब बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है 30,000 रुपए। 30,000 अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, इसको ऐड करने के बाद आता है वो कॉस्ट जिसमें गुड्स बिकने को तैयार है, मतलब ये वो लास्ट कॉस्ट है, इसके बाद कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं होगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड करते हैं दोस्तों प्रॉफिट और प्रॉफिट ऐड करने के बाद निकल कर आता है सेल। बट क्वेश्चन के अंदर हमें सेल गिवन है, अगर हमें सेल गिवन है तो हम बैलेंस फिगर से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट तो पता ही है 16,64,000 प्लस 30,000, तो 16,94,000 में ये तुम्हारी कॉस्ट हो गई। सेल आपको दे रखी है 20 लाख, मतलब इतने की गुड्स बनते हैं और इतने रुपए के गुड्स हम बेच देते हैं 20 लाख रुपए में, तो भैया हमने कितना प्रॉफिट कमाया? तो निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। आप खुद सोचो, बनाने में कॉस्ट लगी इतनी और बेच दिया 20 लाख में, तो 20 लाख माइनस कर देंगे यहां पर, आ जाएगा 3,06,000 रुपए। तो प्रॉफिट आया 3,06,000 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट है, ऐड करने पे सेल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। खत्म हो गया सर, यही था, बेसिक था बेसिक। अभी देखो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, पहला बेसिक था खत्म हो गया, 11 क्वेश्चन खत्म कर दिया। आज की क्लास का हमारा टारगेट है वो ये है कि 12वां क्वेश्चन करना है हमें, 13 क्वेश्चन करना है, 15 क्वेश्चन तक करना है, मतलब आज की क्लास में हमें 15 क्वेश्चन तक करना है, 12वां स्टार्ट करते हैं 12। ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर इसमें ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट दे रखा है, देखो बहुत सारी आपको खर्चे दे रखे, आप ये खर्चे अपने हिसाब से बांटने हैं। कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, कॉस्टिंग में नहीं आते, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो
तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम करते हैं, बेसिक है, अभी भी नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट शोइंग कॉस शीट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, ठीक है जी। सबसे पहले क्या आता है, देखो हमने क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है एक कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करो जिसमें हमें टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट बता दीजिए कि टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट कितना है। जैसे टोटल कॉस्ट प्रॉफिट आएगा तो सेल भी आ जाएगा। अब मेरे को बहुत सारी चीजें दे रखी है, एक एक करके डालूंगा। सबसे पहले देखो क्या आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। अगर आपको ये दे रखा है तो डायरेक्ट मटेरियल निकालने का तरीका आ जाएगा। आपको बताया था अभी डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं, इसको आप अलग वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हैं या फिर यहां पर भी निकाल सकते हैं। एक हेड बना दो ऐसे डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दे रखा है मैंने अभी देख लिया, प्लस परचेस ये भी दे रखा है। अब कैरिज इनवर्ट दे रखा है नहीं दे रखा वो चेक कर लेते हैं। कैरिज इनवर्ट दे रखा है, एड कर दीजिए, प्लस कैरिज इनवर्ट और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। भाई देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो दे रखा है ये, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है ये। सर कैसे पता चला? क्योंकि सर ये 2001 है साल का शुरू और ये 31/12/2001 साल का एंड, ये जनवरी 2001 का है, तो मतलब यहां वाली चीज सारी ओपनिंग है और यहां वाली चीज सारी क्लोजिंग है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50। तो ये तो मुझे दे रखा है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,000, कैरिज इनवर्ट दे रखा है मुझे 12,500 और एक चीज परचेज और रॉ मटेरियल दे रखा है 4,75,000, 4,75,000। जो जो चीज देखो पेपर में जब भी आप पर आपके पास क्वेश्चन आए, जो जो चीज आपने डाल दी उसको काटते चली जाइए जिससे आपका एक बर्डन खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या क्या डाल दिया, हमने जो जो कर दी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, मैंने कहा ये कर दिया, क्वेश्चन पेपर होता है आपके पास काट दीजिएगा, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, अब इनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, ठीक है जी। ये हो चुके हैं, चार चीज हो चुकी है, डायरेक्ट मटेरियल निकालने में काम आ गया है। करते हैं सोल्व, 40,000 प्लस 4,75,000 प्लस 12,500 माइनस 50,000, ये आ जाएगा 4,77,500, तो 4,77,500 ये आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब देखो डायरेक्ट लेबर कहां दे रखा है, डायरेक्ट लेबर में क्या आता है सर, वेजिस पेड टू लेबर, यार वेजिस 1,75,000 आपके पास वेजिस दे रखी है, 1,75,000 आपके पास वेजिस है, इसको हम डायरेक्ट लेबर भी कह सकते हैं, डायरेक्ट वेजिस भी कह सकते हैं। तो ये भी खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए अब डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसिस बेसिकली हेड एक्सपेंस, देखो कैरिज इनवर्ट को आप बेसिकली जब भी आएगा ना कैरिज इनवर्ट आप डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ही उसमें डाल देना उसको, अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस डालते तो नीचे नोट जरूर दे दीजिएगा, ठीक है सर। चलो तो हमने कह देना कि कैरिज इनवर्ट को हमने डायरेक्ट मटेरियल बनाया, बस कि आपको मैं आपको बताऊं सिंपली, कैरिज इनवर्ट इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैरिज इनवर्ट ना रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट होता है, क्योंकि गुड्स को फैक्ट्री तक, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का जितना भी खर्चा होता है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करा जाता है। तो जब मैं रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाऊंगा, जो मैंने किराया दिया होगा कैरिज इनवर्ट आने का किराया दिया होगा, वो उसकी कॉस्ट में ऐड कराया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली नहीं होता, नहीं तो अलग से बता देगा आपको। प्राइम कॉस्ट ये आ गई आपके पास 1,75,000, ये आ गया 6,25,500, 6,25,500। इसके बाद बताओ क्या करते हैं, इसके बाद ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं दोस्त, फैक्ट्री ओवरहेड बोल लो या वर्क ओवरहेड बोल लो। अब यहां पर देखिए खर्चे, अब जहां जहां आपको वर्क दिखे वो डाल देना। देखो सबसे पहले वर्क, जहां जहां वर्क और फैक्ट्री देखे, क्योंकि वर्क और फैक्ट्री मीन सेम, तो वर्क मैनेजर सैलरी 30,000 रुपए लिख देंगे, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी 30,000 रुपए। इसके बाद और क्या क्या था, फैक्ट्री इंप्लॉई सैलरी 60,000 रुपए, फैक्ट्री वर्ड यूज करें ना, फैक्ट्री इंप्लॉई सैलरी, फैक्ट्री इंप्लॉय सैलरी 8,000 रुपए। इसके बाद फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस
अरे जो खर्चे कहीं पर, जो खर्चे फैक्ट्री या वर्क नाम से चालू हो रहे हैं वो फैक्ट्री के खर्चे हैं। 7250, 7250। अभी यहां पर आपको नए नए खर्चे मिलेंगे, तो वो जो लिस्ट मैंने लिखवाई थी उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, वहां वहां डालते रहना। क्वेश्चन करते करते ना हमें कुछ नए खर्चे मिलते हैं, तो मैं वही बता दूंगा उसको आपको। तो वो लिस्ट तो मैंने अभी जो लिखवाई थी वो मैक्सिमम लिखवा दी, पर कुछ ऐसे चीज और हो सकती है जो एड ऑन कर सकते हैं, तो वो वहां पर लिखते जाइएगा जब भी नया कुछ दिखे आपको। और देखिए सर कौन कौन सा आएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। पहले देखो पावर एक्सपेंस, पावर कहां यूज होती है ज्यादातर, पावर यूज होती है सर फैक्ट्री के अंदर, तो पावर एक्सपेंस। कितना है 9500। और देखो प्रोडक्शन एक्सपेंस साफ साफ कह दिया है, प्रोडक्शन कहां पर होगी फैक्ट्री के अंदर, तो अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस मतलब वो रॉ मटेरियल को छोड़कर और भी प्रोडक्शन, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं इसको, इनडायरेक्ट वेज। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस में क्या आ जाते हैं, जैसे एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में चाहिए होता है जैसे रॉ मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली तो नहीं चाहिए पर इनडायरेक्टली उनकी भी जरूरत पड़ने वाली है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस में कवर हो जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस। तो 43,000 रुपए अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस 43,000 रुपीज। अब बात करता हूं रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। दोस्तों जो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन है ये आता ही नहीं कॉस्ट में, मशीन को रिप्लेसमेंट कराने में 10,000 रुपया खर्चा लग गया। आप मुझे बताइए कि अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूं, अगर मैं कोई मशीन खरीदूंगा, क्या मशीन खरीदने की कॉस्ट भी मैं कस्टमर से चार्ज कर लूंगा प्रोडक्ट में डालकर? नहीं दोस्तों, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है दोस्त, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं होता, आपको पता है। मैं आपको वो लिस्ट दिखाई थी मैंने, कि आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं होता। आप देखते हो वो लिस्ट खोलिए जहां पर मैंने आपको बताया था कि कैपिटल नेचर के खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको, कॉस्ट शीट में उसको ऐड नहीं करते। वो लिस्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पर एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे एसेट खरीद लो आप, बिल्डिंग खरीद लो आप, कंप्यूटर खरीद लो आप, फर्नीचर खरीद लो, क्या सबकी कॉस्ट कस्टमर से चार्ज कर लोगे क्या? वो तो खरीदना आपका है ना। आप फैक्ट्री रेंट पर लेकर चला सकते हो, पर आपने फैक्ट्री खरीद ली, कर दिया 20-30 लाख का खर्चा, तो क्या वो भी कस्टमर से चार्ज करोगे? नहीं। तो दोस्तों मशीन का खरीदना या मशीन की रिप्लेसमेंट कभी भी कस्टमर से चार्ज नहीं की जाती, इसलिए रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन हो या परचेज ऑफ मशीन हो, दोनों में से कोई भी कॉस्ट शीट में कवर नहीं किया जाता। तो जो मैं हरे पेन से लिख रहा हूं, हरे से, ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। एक नीचे नोट दूंगा, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें एक पहला पॉइंट आएगा रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, दूसरा पॉइंट आएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देना भी कोई भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता। तीसरा आएगा डिविडेंड, मैंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, ये भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं, यही टोटल होगा, और कोई भी खर्चा नहीं है रिलेटेड टू आपके पास फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं है। तो यहां टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बाहर डालेंगे, उसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड डालेंगे जोड़ने के बाद। 30,000 प्लस 60,000, 7250, 9500 है, 9500 है, और प्लस 43,000 है, तो आ गया 1,49,750। इसको जोड़ने के बाद हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और जब हम इसमें WIP की एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो 149,750 में ऐड कर देंगे 6,25,500, तो 7,75,250। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है देखो 15,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है देखो ये रहा 10,000, तो ओपनिंग 15, क्लोजिंग 10,000, 15,000 यहां लिख दो डायरेक्ट, 15,000 और 10,000 नेगेटिव माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नाम देंगे क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट।
ठीक है सर, 7,25,000 में 5,000 ऐड कर दूं तो आ जाएगा 7,80,250, 7,80,250। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, जो कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चे क्या, जैसे कि जनरल एक्सपेंस, ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कहाँ होंगे? ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, जनरल एक्सपेंस हमारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं। कितना है जी अमाउंट? 32,500, 32,500। ठीक है, और चेक करो और कोई है क्या। डिबेंचर को इंटरेस्ट देना ये भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता, यही चीज आपको समझा रहा है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के थ्रू ये आपको ये समझा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता। डिबेंचर को इंटरेस्ट देना, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। इससे एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या इसका यूज, मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दूं या ना दूं, एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट में चाहिए रॉ मटेरियल, मटेरियल, लेबर, खर्चे, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब चाहिए होता है। अब जैसे कि लिखा हुआ ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड फॉर, नहीं, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ। दोस्तों गुडविल को राइट ऑफ करना है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। गुडविल को राइट ऑफ करना किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट भी कहीं नहीं आएगा दोस्त, ठीक। तो ये इतना ही है, इसको इतना जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32,500। 32,500 जोड़ने के बाद हम इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बोल लो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो, प्लस इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। और वो सिंकिंग फंड क्या होता है वो अभी बता देता हूं आपको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कहाँ है भाई? ये रहा दोस्त, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ये रहा। ओहो, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 15,000। डाल दीजिए 6,000 यहाँ आ जाएगा, 15,000 यहाँ आ जाएगा और नेट कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, पहले इसका टोटल कर लो, 7,80,000 में 32,500 ऐड कर देंगे, 8,12,750 प्लस 6,000 माइनस 15,000 तो 8,03,750। जो जो चीज अभी नहीं दिख रही है ना यहाँ पर, वो उसको लिस्ट में लिखते जाइए कि कौन कौन सा पाए गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर वहां नहीं लिखा हुआ था तो लिख लेना। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। देखेंगे हमें लास्ट में दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस 9,250, तो बेचने का जो खर्चा हुआ वो 9,250 है, तो सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्ट दे रखा है हमें 9,250। इसको ऐड करने के बाद हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो आ जाएगा सेल। प्रॉफिट निकलेगा बैलेंस फिगर से क्योंकि सेल क्वेश्चन में गिवन है। सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है दोस्त, 13 सेल फॉर द ईयर 8,60,000, तो 8,60,000 की सेल है। इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 9,250 या आ जाएगा 8,13,000 टोटल कॉस्ट, 8,60,000 माइनस या जाएगा 47,000 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 47,000। एक मिनट में चेक करूँ कहीं में से मिस्टेक हो गई है, आंसर मैच नहीं कर रहा, गलत आ रहा है, एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करेंगे शुरू से, इन सबको चेक करते हैं एक बार, इन वाले को चेक करते हैं। 40,000, 4,75,000, 12,500 माइनस 50,000, 4,77,000, ठीक है, 1,75,000 इसमें ऐड करेंगे, 6,52,000, अरे ये
6,25,000 नहीं, 6,52,500 था, मैंने पता था कहीं गलती हुई। 6,52,500 में ऐड करेंगे 1,49,750, तो यह जाएगा 8,02,000, और ये भी चेंज हो जाएगा, जाएगा 8,02,250। इसमें ऐड करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 10,000, तो जाएगा 8,07,250, 8,07,250 ऐड करेंगे 32,500, 8,39,750, 8,39,750, 8,39,750। इन दोनों को ऐड करने के बाद आया 8,39,750, प्लस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 15,000, यह आ गया 8,30,750, प्लस करेंगे 9,250, यह आ गया 8,40,000 रुपये, और बैलेंस मेरे से कितना आया 20,000 रुपये। ये है सर, ठीक है, थोड़ा वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है सर। अब नीचे नोट देंगे, नोट देना है बिल्कुल। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड, फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंक्लूडेड फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि उसका पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है, उस कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। तो लिख दोगे आप 1, 2, 3, 4, क्या क्या लिखेंगे? रिप्लेसमेंट कराना मशीन की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो नहीं आएगा। इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स देना पर्सनल एक्सपेंस होता है ओनर का, वो नहीं आता। डिविडेंड दे रहे हो किसी शेयर होल्डर को तो नहीं आएगा। डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो नहीं आएगा। और ट्रांसफर कर रहे हो सिंकिंग फंड फॉर गुडविल रिटर्न, गुडविल के रिटर्न, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए आप सिंकिंग फंड में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी नहीं आएगा। अब ये सिंकिंग फंड क्या होता है वो समझ लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये वाली चीज है ना सिंकिंग फंड, देखो गुडविल रिटर्न ऑफ करना तो ये तो यहाँ है, ये अलग है, ये चीज अलग है, ये अलग चीज है। और ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है इन्होंने गलत लिख दिया, ये आना चाहिए था ऐसे, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट, ऐसा आना चाहिए था, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट, ऐसा आना चाहिए था। ये इसलिए होता, वही मैं सोच रहा हूँ, ये गुडविल का कब सिंकिंग फंड में। देखो सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जहां पर पैसे को सेव किया जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी अराइज हो गई, जैसे डेप्ट, जैसे डिबेंचर को इंटरेस्ट देना एक लायबिलिटी होती है, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देना एक लायबिलिटी होती है, अगर वो अराइज हो जाती है तो उसके लिए पे करने के लिए फंड क्रिएट करा जाता है, उसको सिंकिंग फंड कहा जाता है। तो ट्रांसफर टू सिंकिंग फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देना है, डिबेंचर वालों ने हमारे हमारे को हमारे डिबेंचर खरीदे हैं, डिबेंचर होल्डर वालों को अब हर साल इंटरेस्ट देना होगा फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज से, जो इंटरेस्ट देना है ये लायबिलिटी अराइज होगी। इस लायबिलिटी को अराइज करने के लिए पहले से एक फंड क्रिएट करा जिसको नाम बोला सिंकिंग फंड, वो फंड इसलिए क्रिएट करा गया है जिसमें पैसा सेव करा है, अगर कोई डेप्ट आ जाता है फ्यूचर के अंदर या कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो उसको पे करने के लिए काम आएगा। बेसिकली ये फंड बनाया गया है सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट वालों के लिए, तो ये फाइनेंशियल वाले का पार्ट होता है, ठीक है, सिंकिंग फंड का मतलब समझ में आया ना। तो गुडविल राइट ऑफ करना किसका पार्ट है? फाइनेंशियल। आपको तो ये चार बात आपको लिखनी है, 1, 2, 3 और ट्रांसफर ऑफ सिंकिंग फंड टू फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट 4 और गुडविल रिटर्न ऑफ 5। इट इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, ये तो दे ही नहीं रखा, इसको तो इग्नोर करते है ही नहीं इसका अमाउंट। पेमेंट ऑफ सेल टैक्स भी नहीं आता, सेल टैक्स देना इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये तो कंज्यूमर अपने भरेंगे ना। जैसे कि आप तो सेल टैक्स खत्म हो गया, अब तो जीएसटी है, मान लो आप कोई सामान खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर तो जीएसटी आप पे करते हो ना दोस्त, कस्टमर वो थोड़ा पे करता है। जीएसटी का पेमेंट जो एंड में कंजम्पशन लेता है ना, जो एंड में कंज्यूम करता है किसी प्रोडक्ट को, जीएसटी वो पे करता है। ये पेन अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो इसका जीएसटी का मैं पे करूंगा, भले आप बेच रहे हो तो आप नहीं जीएसटी पे करोगे, मैं पे करूंगा। तो सेल टैक्स जो पे करूंगा मैं करूंगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये तो देने रखा, इट इज अ पार्ट ऑफ, ये भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 ये 5 गुडविल, तो ये 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट है, इसलिए कॉस्ट शीट पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया 12वां। बस में ये सिखाया गया कि कौन सा पार्ट है और कौन सा नहीं पार्ट है। जो 13 क्वेश्चन है इसमें न्यू कॉन्सेप्ट है, 13 कॉन्सेप्ट में, 13 क्वेश्चन के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट है। उसमें आपसे पूछेगा, आपसे कह रहा है कॉस्ट शीट बनाकर दिखाइए, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आती है, प्रॉफिट पर यूनिट निकालिए
और प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकालिए, मतलब पूरे साल का पीरियड निकालिए, पूरे साल की कॉस्ट निकाल दो, एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी आएगी और एक यूनिट पे प्रॉफिट कितना होगा ये भी निकाल दीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ ट्रिक है, एक नया कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट लिख दोगे वो पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है, ये पार्ट नहीं है पेपर में। न्यू कॉन्सेप्ट इन बिलो क्वेश्चन, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं ना न्यू कॉन्सेप्ट, तो समझ लेना जब भी आप कभी कॉस्टिंग का रिवीजन करो, कॉस्ट शीट का रिवीजन करो, तो यू न्यू कॉन्सेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है एक बार ये क्वेश्चन जरूर करोगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बस, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है, यही करते रहना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दे रखा है, डायरेक्ट लेबर चार्ज दे रखा है, मशीन आवर्स वर्क्ड, मशीन आवर रेट, मशीन आवर वर्क, एक मशीन ने 900 घंटे काम किया, और अगर एक मशीन एक घंटे काम करेगी तो उसको ₹5 दिया जाएगा कॉस्ट, सॉरी ₹5 की रेट की कॉस्ट आएगी। एक मशीन ने 900 घंटे काम किया ओवर द पीरियड, तो एक किसका पीरियड का मंथ है, ऑन द फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो मैं कॉस्ट शीट जो बनाऊंगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बनाऊंगा। एक मशीन एक महीने में 900 घंटे काम करती है, ठीक। अब 900 घंटे काम करती है तो मशीन आर रेट जो दे रखा है ₹5, उसका मतलब है कि अगर एक मशीन एक घंटे काम करेगी तो ₹5 की कॉस्ट आएगी। अगर वो 900 घंटे काम करेगी तो कितनी कॉस्ट आएगी, 900 × 5 ₹4,500 की कॉस्ट आएगी। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, मशीन जो है टोटल मशीन कितने घंटे काम करती है, मतलब कंपनी के अंदर पांच मशीन है तो पांचों मशीन को मिलाकर कितने घंटे काम हो रहे हैं, 900 घंटे काम हो रहे हैं। अब एक घंटे अगर मशीन काम करे तो कितने में बनेंगे, ₹5 की कॉस्ट आएगी। तो मशीन अगर एक घंटे काम करे तो 5 की कॉस्ट, अगर टोटल मशीन ने 900 घंटे काम किया तो 4,500 की कॉस्ट, सिंपल आ गया। इसको बोलते हैं मशीन आर कॉस्ट बोलेंगे, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, जितना देर मशीन काम करेगी उतनी कॉस्ट अराइज होगी ना दोस्त। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है, 20% होगा वर्क कॉस्ट का, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का, तो जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगा ना उसका 20% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड माना जाएगा। और कहता है सेलिंग ओवरहेड इज 0.5 पर यूनिट, कहता है जितने यूनिट बिकने को तैयार है, जो यूनिट बिकेगी हर एक यूनिट बिकने पे 50 पैसे की सेलिंग की कॉस्ट आएगी। कितनी यूनिट बिकने की, ये समझिए, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक वो यूनिट होती है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हमने मान लो 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करी और इसमें से बिकी 9,000 यूनिट, तो जितनी यूनिट बिकनेगी उस पर सेलिंग कॉस्ट आएगी, ना कि टोटल प्रोडक्शन पर। समझ में आ रहा है, वो कह रहा है सेलिंग ओवरहेड जो होता है वो उन यूनिट पर लगता है जिन यूनिट को बेचने के लिए रेडी है, जो यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बच गया उन यूनिट पे कभी भी सेलिंग कॉस्ट अराइज नहीं होती। बस यही एक कॉन्सेप्ट सीखना है, सेलिंग ओवरहेड्स कभी भी आपको देना 0.50 या ₹1 पर यूनिट। तो कितने यूनिट पे सेलिंग है, जितना प्रोडक्शन अगर उतने पे या जितने बिकने को तैयार है उतने पे, भाई जो बेकोगे उस पे तो सेलिंग का खर्चा लगेगा, या जो क्लोजिंग स्टॉक कंपनी में पड़ा उस पे भी सेलिंग का लगा दोगे, नहीं सर, जो क्लोजिंग स्टॉक कंपनी के पास पड़ा है उस पे सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती, जो बिकने को तैयार है उस पे सेलिंग कॉस्ट अराइज होती है, ठीक, ठीक है जी। तो कहता है यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है 17,100, तो भाई अब जरा ध्यान दीजिएगा, 17,100 यूनिट प्रोड्यूस करी है पर 17,100 तो ना बेकी है, तो जो सेलिंग की कॉस्ट आएगी वो 17,100 पे नहीं, वो 16,000 पे आएगी, यूनिट सोल्ड करी है, बस ये समझिए आप। सेलिंग कॉस्ट उस यूनिट पर आती है जिस यूनिट को बेचा जाता है, कितनी यूनिट बिकी है टोटल 16,000, तो सेलिंग कॉस्ट कितनी यूनिट पर आएगी, 16,000 यूनिट पर आएगी। समझ में आया, क्लियर हो गया, तो बताओ ये समझ में आया कि अगर 17,000 यूनिट टोटल प्रोड्यूस करी है जिसमें से 16,000 यूनिट बिक गई है, तो 1100 यूनिट क्या हो गई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो गया। अब 1100 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, ये निकालना ही हमारा कॉन्सेप्ट है नया। न्यू कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे रखा हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट में दिया है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट में दिया है तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, यही हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मैंने आपसे पूछा 1100 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें साफ साफ बता रखा है कि जो यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है वो 17,100 है और बिक गई है ₹16,000, कितने की बिकी छोड़ो वो तो सेल आ जाएगी,
17,100 की यूनिट टोटल प्रोड्यूस करी है और बेची है 16,000 रुपए की, तो भैया कितनी यूनिट बच गई? बच गई 1100। अब 1100 यूनिट जो बच गई इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, यही निकालना हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल 2015। कितना पुराना क्वेश्चन है, 8-7 साल हो गए। ठीक है दोस्त, देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस एक बात है छोटी समझनी है आपको, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा ये। ये लो जी, अमाउंट पर्टिकुलर्स, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, पर ओपनिंग स्टॉक परचेज ये नहीं, डायरेक्ट बता दिया हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमें निकाल कर बता दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरिंग में माइनस क्लोजिंग स्टॉक करा, डायरेक्टली बता दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो बस आप भी डायरेक्ट लिख लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15,000 9,000, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा, तो 15,000 ये 9,000 ये टोटल कर देंगे, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया मशीन आर, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आ गया मशीन कॉस्ट, मशीन आर्स कॉस्ट। भाई टोटल मशीन 900 घंटे चलती है और हर एक घंटे के 5 रुपए मिलते हैं, नहीं हर एक घंटे के 5 मिलते नहीं, हर एक घंटे की 5 रुपए की कॉस्ट आती है, एक घंटा अगर मशीन चलेगी तो 5 रुपए की कॉस्ट आएगी कंपनी की, तो 900 × 5 4500 की आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको जोड़ देंगे 15 + 9 24,000 रुपए प्राइम कॉस्ट हो गई। इसको ऐड करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, या आप वर्क कॉस्ट कह लो उसको, 24,000 + 4,500 28,500। इसके बाद ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था वो 20% होगा वर्क कॉस्ट का, जो भी वर्क कॉस्ट होगी उसका 20%, तो वर्क कॉस्ट कितनी है 28,500, तो 28,500 का कितना परसेंट 20%, बड़ा सिंपल सा था ये, तो 28,500 का 20% जो होगा उतना माना जाएगा आपके पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या गुड मैन्युफैक्चर। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 28,500 + 5,700 ये आ गया 34,200, इसके बाद आगे का क्या करना है, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये आपको अब लेना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, अब देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो है नहीं, पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, हिंट दे रखी है, कुछ दे रखा है, दे रखा है, देखो 17,100 की टोटल प्रोडक्शन थी और 16,000 ही यूनिट बिक पाई, तो हमने निकाला वर्किंग नोट, निकालेंगे क्या लिखेंगे, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, पहले आप बताओ क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, तो हमने कहा सर क्लोजिंग स्टॉक है टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड,
टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस करी है? तो हमने कहा सर टोटल यूनिट प्रोड्यूस करी है 7100, नहीं 70100, 17100। टोटल यूनिट प्रोड्यूस करी है 17100, जिसमें से यूनिट सोल्ड कितनी हो गई? 16000। दोस्तों अगर यूनिट सारी सोल्ड होगी फिर तो सोचा ही नहीं है, फिर तो कोई क्लोजिंग बचा ही नहीं। अगर आपकी यूनिट सारी बिक गई है तो फिर कोई क्लोजिंग बचेगा ही नहीं, तो फिर आग इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट नहीं अपनाना, कोई भी चीज नहीं करनी। यह कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपकी टोटल यूनिट प्रोड्यूस आपने ज्यादा करी है और आपकी जो सेल हुई है वो कम हुई है। तो कितनी यूनिट बच गई? 1100 यूनिट बच गई। तो अनसोल्ड यूनिट जो है वो 1100 है। अब मुझे तो पता है कि 1100 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1100, ये तो मुझे पता है, पर इसका अमाउंट कितना डालू? यहां यूनिट थोड़ा ना आता है, यहां तो अमाउंट आता है। तो मुझे बताओ कितने यूनिट प्रोड्यूस करी भाई? टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस करी है, टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस करी है उसमें टोटल कॉस्ट कितनी लग गई? ठीक है, टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस करी है उसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी ये निकाल लो आप। मैंने कहा सर टोटल यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी है, एक बॉक्स बनाऊंगा, बड़ा सिंपल सा बॉक्स है, टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी है और टोटल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट क्या आई है, और अनसोल्ड यूनिट कितनी है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? पहले आप देखो कि आपने टोटल कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है, टोटल यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितनी कॉस्ट आई, यूनिटरी मेथड लगाना है। टोटल यूनिट प्रोड्यूस जो करी है उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आई? तो दोस्तों टोटल यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है 17100। अगर हमने टोटल 17100 यूनिट प्रोड्यूस करी है इस साल, इस महीने, अब ऑन द फॉर्म द मंथ ऑफ अप्रैल, तो बताओ टोटल यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल क्या कॉस्ट आती है? मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि जो ओवर द पीरियड, जिस साल जिस पीरियड पे कॉस्ट शीट बना रहे उस पीरियड में जितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करी है उसकी कॉस्ट है ये। गुड्स को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने समझे ध्यान से, कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की, एक यूनिट मतलब जितनी यूनिट आपने उस पीरियड पे प्रोड्यूस करी है उसकी टोटल कॉस्ट ये होती है। मतलब जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड निकालोगे ना आप, यह आया था 1100, इस 1100 में कितने की कॉस्ट आई, इस 1100 में कितनी कॉस्ट है, इसको निकालने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि जितने यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में मैंने 17100 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो 17100 यूनिट प्रोड्यूस करने में मेरी कितने कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ, ये जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या होगा दोस्त, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। जब भी आपको यूनिट प्रोड्यूस करते हो और आपको निकालना चाहते हैं कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारा टोटल कॉस्ट। समझ में आ गया बात? तो इसमें कोई अलग तो पॉइंट नहीं है भाई, मैंने 17100 यूनिट बनाई तो 17100 यूनिट बनाने में मेरी कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो प्रोडक्शन की कॉस्ट है। तो 17100 यूनिट जो आपने बनाई है ना दोस्त, इसको बनाने में 34200 रुपए लग गए। अगर मैं कह रहा हूं इसको बनाने में 34200 रुपए लग गए, अगर 17100 यूनिट को बनाने में 34200 लग गए, तो मुझे बताओ 1100 यूनिट में कितने लगे होंगे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल भाई, 17100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 34200 मल्टीप्लाई बाय 1100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। 17100 यूनिट बनाई है, इतने रुपए लगे हैं, तो अगर इतने यूनिट बनाने पे इतने लग गए तो इतने पे कितने, तो यूनिटरी मेथड कैसे निकालेंगे? यहां पर तो यूनिट यूनिट आएगी, ये तो आएगी हमारी यूनिट यूनिट, और यहां पर आएगी कॉस्ट। ऐसा नहीं कि एक जगह यूनिट इधर लग ली, एक यूनिट इधर रख ली, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिट इधर आएगी तो कॉस्ट इधर रख रहे हो, अगर कॉस्ट इधर रख रहे हो तो दोनों की कॉस्ट इधर रखना। समझ में आ गया? इस तरीके से लगाएंगे, बड़ा सिंपल मेथड है ये, अगर ये आ गया आपको सब समझ में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड क्या कह रहा है, ये बड़ा सिंपल सी मेथड कह रहा है, अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, 34200 को बनाने में 34200 लोगे 17100 यूनिट बनाने में, तो मुझे बताओ 1100 में कितना, ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल। बट ये समझिए आप, इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, कभी नहीं। अगर 17100 यूनिट बनाई, 34200 लग गए टोटल, तो इसी में 1100 थी, तो 1100 में कितने लगे, तो मैंने कहा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 34200 डिवाइडेड बाय 17100 मल्टीप्लाई बाय 1100 वही आ गया। अगर आपको वैसे करना है वैसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 34200 डिवाइड बाय 17100 मल्टीप्लाई बाय 1100, ये आ गया 2200 रुपए लग गए। मतलब
मतलब 1100 यूनिट बनाने में मेरा 2200 का खर्चा हुआ, वो हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो यूनिट अभी बिकी ही नहीं उसकी कॉस्ट को जोड़ना क्यों है। तो इसको बनाने में कितना लगे? एट द रेट 2 रुपए लगे, जो मैंने निकाला तो कितना लगे? 2200 रुपए लग गए। माइनस कर दो और जो निकल कर आएगा उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और ये किस बेस पर होगा? जितनी यूनिट बिकेगी उस बेस पर 50 पैसा की कॉस्ट आएगी। 16,000 यूनिट बिकी, 0.50 पैसा की कॉस्ट आई, तो 8,000 रुपये की कॉस्ट आ गई। यहाँ कितना आया था? 34,200 माइनस 2200, यह आ गया 32,000। इसको ऐड करने के बाद जो आएगा अमाउंट उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आ जाएगी सेल। तो सेल आपको दे रखी है भाई 16,000 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से बिकेगी, तो सेल पता है? हाँ जी, ये तो हो गया सर 40,000 रुपये। और सेल आपको पता है 16,000 यूनिट बिकी है और हर एक यूनिट 4 रुपए के हिसाब से बिकी है। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 64,000। तो जो मेरा कॉस्ट आई, प्रॉफिट आया, वो बैलेंस फिगर से आ गया। 64 माइनस 40,000 24,000 रुपये। अब मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, कितने यूनिट बेची? हमने कहा 16,000 यूनिट बेची है, और 16,000 यूनिट पे कितनी की कॉस्ट आई? हमने कहा देखो 40 की आई। भाई 40,000 तो टोटल कॉस्ट है, और 40,000 कॉस्ट की 16 की, क्यों? बनाई तो 17,100 थी, 1100 हटा दिया था ना यहां से माइनस करके, हटानी था उसकी कॉस्ट, नहीं हटा दी थी जो। तो बस अब जो ये कॉस्ट है कितने की है? 16,000 की। भाई ये कॉस्ट थी 17,100 की, इसमें से 1100 यूनिट की कॉस्ट हटा दी, तो ये जो कॉस्ट आई वो 16,000 यूनिट की आई ना। तो आगे जितनी कॉस्ट है वो कितनी है? 16। तो 40,000 यूनिट खर्च हुआ, 40,000 रुपए खर्च हुए 16,000 यूनिट बनाने में। प्रॉफिट पर यूनिट निकाल दोगे? हाँ सर, 24,000 का प्रॉफिट कमाया, टोटल प्रॉफिट कितना आया? 24,000। और कितने यूनिट को बेचकर? 16,000 यूनिट को बेचकर। सेल पर यूनिट भी निकाल देंगे, 4 रुपए आ जाएगा, 64,000 डिवाइड बाय 16 करना सर, 40,000 डिवाइड बाय 16,000 जाएगा 2.5 रुपए पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 2.5 रुपए लग गए, और 24,000 माइनस डिवाइड बाय 16,000 और 1.5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट देता है हमें। तो 2.5 और 1.5 मिलाकर क्या हो जाएगा? सेल, सेल पर यूनिट, अरे कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट मिलकर क्या बन जाएगा? सेल। तो 2.5 आ जाएगा 4 रुपए पर यूनिट, वही हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आप निकाल के दिखाइए कॉस्ट पर यूनिट, हमने निकाल दी। आपको निकालना है प्रॉफिट पर यूनिट, हमने निकाल दी। प्रॉफिट बताना था पूरा टोटल, हमने वही बता दिया। प्रॉफिट है 24,000, प्रॉफिट पर यूनिट है 1.5 और कॉस्ट पर यूनिट 2.5। क्लियर है या नहीं है? क्लियर, क्लियर है सर, समझ में आ गया किस तरीके से करना है। सेम क्वेश्चन है ये वाला 14, सेम क्वेश्चन है, करके दिखाइए। अभी 5 मिनट है, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से करके दिखाइए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से करके दिखाइए, कोई भी अलग चेंजमेंट नहीं है। बस यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस करी गई है 4,000 और यहाँ पर यूनिट सोल्ड हुई है 3600, तो अनसोल्ड कितनी रहेगी? 400। तो पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलेगा कि भाई 4,000 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आई? हमने कहा जो भी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो हमारी कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की। अगर 4,000 में इतनी तो 400 में कितनी? तो इतना अमाउंट बाय डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 400 आ जाएगा। तो जल्दी से निकालिए, रॉ मटेरियल दे रखा है आपको, डायरेक्ट मटेरियल सब कुछ वही दे रखा, बिल्कुल 100% सेम है। यहाँ तो डायरेक्टली अमाउंट दे दिया, नहीं नहीं अमाउंट नहीं दिया, 8,000 घंटे काम करे और हर घंटे के 4 रुपए दे जा रहे हैं। जल्दी करिए दोस्त, वीडियो को पोस्ट करिए। चलिए अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने फॉर्मेट उतारा हुआ है, मैं इसी फॉर्मेट करूंगा क्योंकि कोई अलग फॉर्मेट इसके लिए फर्दर कुछ है नहीं, सेम फॉर्मेट यूज होगा, सब कुछ सेम है दोस्त, कोई भी हल्का सा भी चेंजमेंट नहीं है, बस अमाउंट अमाउंट चेंज करना है, डिफरेंस फॉर्मेट में कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको। ये अलग आ जाएगा, ये तो बैलेंस फिगर से आएगा ही, ये भी अलग आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? हमने कहा 80,000 और डायरेक्ट वेज कितना है? 48,000। तो ये हो गया 80,000 और ये हो गया 48,000 रुपये। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट। तो 80,000 प्लस 48,000 मिलकर क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट 1,28,000। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या रहा है? मशीन आवर, 8,000 घंटे काम करती है मशीन और हर घंटे के 4 रुपये दिए जाते हैं, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4 32,000 रुपये का मशीन आवर कॉस्ट आ जाएगी। इसको जोड़ने के बाद क्या बोल देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, यह आ जाएगा 1,60,000। वो कह रहा है जी फैक्ट्री ओवरहेड जितना भी होगा, वर्क कॉस्ट जितना भी होगा, उसका 10% होगा, ऑफिस ओवरहेड 10% होगा वर्क कॉस्ट के।
ऑफिस ओवरहेड 10% होगा, वर्क कॉस्ट के इसको चेंज करेंगे। वर्क कॉस्ट कितनी है, 1,60,000, 1,60,000 हमारी वर्क कॉस्ट है, इसका 10% क्या होगा दोस्त, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स कॉल 16,000। जोड़ने के बाद बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स कॉल 1,76,000। ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड तो नहीं दे रखा, पर क्लोजिंग स्टॉक पता है 400 आया है। अब 400 आया कैसे निकालूंगा, देखो यही निकाल सकते हो आप, कैसे आप मुझे बताओ, 1,76,000 यूनिट, 1,76,000 रुपए की कॉस्ट आई, और कितनी यूनिट बनाने के लिए टोटल 4,000 यूनिट बनाने के लिए। अगर 1,76,000 की कॉस्ट आई 4,000 यूनिट बनाने के लिए, तो इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। अगर 1,76,000 खर्चा हुआ 4,000 यूनिट बनाने के लिए, तो 1,76,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करने से क्या आता है, एक यूनिट बनाने में क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आई होगी, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई इनको डिवाइड करने के बाद। टोटल कॉस्ट अपन में टोटल यूनिट करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट दिखाई थी ना मैंने आपको बेसिक में, टोटल कॉस्ट अपन में टोटल यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट अगर एक यूनिट की कॉस्ट आ गई तो मल्टीप्लाई में मुझे 400 की चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कितना है 400, तो 1,76,000 डिवाइड बाय 4,000 करा तो 1,76,000 जब डिवाइड बाय 4,000 करा गया तो एक यूनिट की जो कॉस्ट आई वो 44 आई, तो 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17,600 रुपए आई, बस को हटा देंगे, और जैसे ही हटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा रिमेनिंग यूनिट्स की, जो कि है 3600 यूनिट। कितने यूनिट का ये, कितने का था ये, था 4,000 यूनिट की कॉस्ट, जिसमें से 400 यूनिट की कॉस्ट हटा दी, तो कितने की आ गई अब ये कॉस्ट, 3600 यूनिट की। क्या समझ में आया, ये एक नया कंसेप्ट था और कुछ नहीं था इसके अंदर, बाकी कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कहता इसको, क्योंकि ये तो था यूनिटरी मेथड। 1,58,400, अब वो कह रहा है कि भाई जितने यूनिट आप बेचोगे हर यूनिट पे 1.5 रुपए की सेलिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट आएगी, तो कितनी यूनिट बेची थी, 3600 यूनिट बेची थी और हर यूनिट पे 1.5 रुपए, ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, देखो 1.5 रुपए पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड किस पे लगेगा, सिर्फ जो यूनिट बिकी है उस पे, 5,400 और ऐड करने के बाद है, तो 1,58,400, 1,63,800 प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट निकालेंगे पहले सेल तो निकाल लो, सेल किस हिसाब से है, वो कह रहा भाई 3600 यूनिट है जो हमने सोल्ड करी है, और हर यूनिट को बेचने पे कितने पैसे खर्च लगे हैं, 50 पैसा ईच, एक यूनिट कितने की बिकी है, 50 रुपए की, तो 3600 यूनिट बिकी है और एक यूनिट 50 रुपए की, तो टोटल करेंगे 1,80,000 रुपए, और 1,83,000 कॉस्ट, 1,36,800 ये आ जाएगा 16,200 रुपए का प्रॉफिट। लो जी इसका भी करके देख ले, इसको तो आप कर लीजिएगा है ना, ये इसमें यूज नहीं होगा, इसके अलग था, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आने के चांसेस होते हैं, अगर उनको छोटा कम मार्क्स का क्वेश्चन देना हो तो इनमें से दे देता है क्वेश्चन, वो इस टाइप के क्वेश्चन देगा। अच्छा कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, दो टाइप की कॉस्ट पर यूनिट निकलती है दोस्त, एक तो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी इस हिसाब से, किस हिसाब से, यहां निकाल देते हैं कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट। एक कॉस्ट पर यूनिट यहां से निकलती है, जैसे ये रहा 1,76,000, 1,76,000 टोटल कॉस्ट, अगर आपसे कभी पूछे ना कॉस्ट पर यूनिट निकालो, सिर्फ एक कॉस्ट पर यूनिट निकालो, अगर सिर्फ ये लिखा है सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट बोला है, तो आप हमेशा याली कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, याली इस हिस्से निकालेंगे, इससे जो निकालेंगे वो कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगी, वो जो कॉस्ट उस यूनिट की होगी जो बेची गई हो, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सेलेबल यूनिट बोला जाए तब आप इसकी निकालेंगे, इससे निकालेंगे आप, ठीक है। कुछ नहीं मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि टोटल आपने कितनी यूनिट प्रोडक्शन करा है, 4,000 ना, तो अगर मैं कहूं कॉस्ट पर यूनिट बताओ टोटल प्रोडक्शन यूनिट का, तो आप क्या कहोगे भाई 1,76,000 आया, 1,76,000 की टोटल कॉस्ट आई, वो भी 4,000 यूनिट पर, तो एक पे कितनी आई, 44 पर यूनिट। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये कहे सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इससे मदद से निकालना, और अगर आपसे क्वेश्चन कहा कॉस्ट पर यूनिट निकालो सेलेबल यूनिट की, तो इससे निकालना, कि ये 3600 यूनिट के हिसाब से है ना, यूनिट प्रोड्यूस करी थी 4,000, पर अभी जो यूनिट ये आई है इससे अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो अलग आएगी, याली कॉस्ट यूनिट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 1,63,800 डिवाइड बाय 3600। बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर यूनिट को हम रिड्यूस कर देते हैं यहां से, तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बता रहा, तो क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल ये लिखा है कॉस्ट पर यूनिट, सिर्फ ये निकाल दो, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम आप सिर्फ याला यूज करिएगा, ठीक, और प्रॉफिट पर
यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, 16,200 और 3600 यूनिट बेचने पर 16,200 कमाए, 16,200 कमाए 3600 यूनिट बेचने पर, तो 4.5 का आपके पास प्रॉफिट आया। लो भाई चेक करिए, 4400 पर यूनिट वो जो टोटल प्रोडक्शन से निकाला, और 4.5 पर यूनिट जो कि प्रॉफिट है, और 16,200 का नेट प्रॉफिट, यही पूछा गया था हमसे। ठीक है दोस्त, अब रही बात 15 क्वेश्चन की, इसको करते हैं और खत्म करते हैं आज की क्लास। आइए ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2015। कॉस्ट पर टन निकालना है आपको, मतलब कॉस्ट निकालनी है पर टन, मतलब कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं ना, ऐसी पर टन की कॉस्ट निकालनी है आपको। आपको रॉ मटेरियल दे रखा है, प्रोडक्टिव वेजेस दे रखा है, अनप्रोडक्टिव वेजेस दे रखा है। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक बता देता हूं कि ये कहां पर जाएगा और कहां नहीं जाएगा और कौन सा जाएगा, ऑटोमेटिकली आप खुद ही कर सकते हैं। देखें रॉ मटेरियल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है, ये प्रोडक्टिव वेजेस है। देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव वेजेस, एक होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब जो वेजेस हम पे कर रहे हैं उसका हमने यूटिलाइज पूरी तरीके से कर लिया है, मतलब जिस लेबर को हमने वेजेस दी उस लेबर का यूटिलाइजेशन पूरी अच्छी तरीके से हो गया है, और जिस लेबर को हम पेमेंट तो कह रहे हैं, जो अनस्किल्ड होते हैं जो अभी सीख रहे हैं उनका भी यूटिलाइज नहीं कर पाते, अनप्रोडक्टिव वेजेस। जो हमारा प्रोडक्टिव वेजेस होता है वो डायरेक्ट लेबर होता है, और जो हमारा अनप्रोडक्टिव वेजेस होता है वो इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट लेबर, इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा, इसमें आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चे सारे कहां आते हैं, फैक्ट्री के अंदर आते हैं। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी फैक्ट्री से है फैक्ट्री कॉस्ट, मोटिव पावर फैक्ट्री कॉस्ट, यहां वर्क की बात कर रहा है साफ साफ लिखा हुआ वर्क, तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्टर फीस ऑफिस, ऑफिस की तो ऑफिस कॉस्ट आएगी दोस्तों, जहां लिखा हुआ है ऑफिस तो ऑफिस, सन्ड्री एंड ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस में आएगा, ऑफिस कॉस्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड एक्सपेंस ऑफिस कॉस्ट, बस जोड़ते जाना है इसको। फैक्ट्री स्टेशनरी लिखा हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस कॉस्ट, लूज टू रिटर्न ऑफ अभी बताते हैं इसका दो मिनट को, रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस कॉस्ट, फैक्ट्री वर्क लिखा हुआ है तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस कॉस्ट, लीगल एक्सपेंस होते हैं ऑफिस कॉस्ट के अंदर, रेंट ऑफ वेयर हाउसेस। अब वेयर हाउस कब बनाते हैं दोस्तों, वेयर हाउस तब बनाते हैं जब हमारे पास गुड्स बन जाते हैं, जब गुड्स बनकर तैयार होते हैं तब हम वेयर हाउस में उसको रखते हैं कि आगे बेचने के काम आएगा, तो इसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालते हैं। ये रेंट ऑफ वेयर हाउस हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो गुड्स बन चुके हैं और बनने के बाद वेयर हाउस हमने रखा है, उन गुड्स को वेयर हाउस में बनने के बाद रखा हुआ है, वो बेचने के पर्पज से रखा हुआ है बस। डेप्रिसिएशन अगर प्लांट एंड मशीनरी में लग रहा है तो फैक्ट्री कॉस्ट होगा, डेप्रिसिएशन अगर ऑफिस बिल्डिंग पर लग रहा है तो ऑफिस कॉस्ट आएगा, और डेप्रिसिएशन अगर डिलीवरी वैन पर लग रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगा। बैड डेट हमारा फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है तो ये इंक्लूड होगा ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट कराना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल डिपार्टमेंट की सैलरी देना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक। अनकीप ऑफ डिलीवरी वैन लिखा हुआ है डिलीवरी वैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैंक चार्जेस होता है ऑफिस कॉस्ट, क्योंकि बैंक चार्जेस रिलेटेड कहां होंगे, ऑफिस रिलेटेड खर्च होंगे, सेल पे कमीशन देना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक लूज टू जाएगा ये फैक्ट्री ओवरहेड था, क्योंकि टूल्स जो होते हैं मशीन को ठीक करना, औजार जो होते हैं आपके पास टूल्स होते हैं ना, जैसे मशीन को खोलना वगैरह, तो वो सारे कहां पर आएंगे दोस्त, वो सारे आपके पास टूल्स वगैरह जो होते हैं वो आएंगे आपके फैक्ट्री में। तो ये आपके पास सारी मैंने बात लिख दी, इसको लिख लीजिएगा। अगर कोई चीज आपको अलग दिखी, मैंने ये लिस्ट बनाई थी ना पहले पिछली क्लास के अंदर लिस्ट देती, उस लिस्ट में भी ऐड ऑन कर देना अगर कोई चीज आपको नहीं दिख रही है यहां पर। अब एक ही करके इसको ऐड करते हैं, देखिए आंसर आता जाएगा आपके पास, टेंशन की बात। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, इन पर याद ही करना पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ा सा याद करने के बाद जहां जहां देखो वर्क ऑफिस ऑफिस लगा उसमें तो बात ही खत्म। कुछ ऐसी बातें होती है जैसे कि रेंट ऑफ वेयर हाउस, अगर हम फैक्ट्री, ये तो इसमें अजम्पशन लिया देखो, क्योंकि वेयर हाउस दो तरीके के हो सकते हैं, एक गुड्स बनने के बाद, एक गुड्स बनने से पहले रॉ मटेरियल जो रखा जाता है, तो मैंने भी माना है गुड्स बनने के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या होगा, और कुछ नहीं, जहां जहां साफ साफ दिख रहा है, जहां डिलीवरी वैन है सेल है, इतना कुछ। जैसे कि टूल्स टूल आपके पास था कि इसमें कुछ पता नहीं लग रहा था, तो टूल्स वगैरह कहां यूज होते हैं, बेसिकली मशीन वगैरह खोलने में तो फैक्ट्री के अंदर होते हैं। रॉ मटेरियल, अब बस आपको लिखना है रॉ मटेरियल, जो जो है वो डाल दीजिए, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिव वेजेस में डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, प्रोडक्टिव वेजेस, इसको ऐड करने के बाद आएगा प्राइम कॉस्ट। रॉ मेटेरियल कितने का है, 33,38,000, 33,000, 38,000। इसको करने से क्या होगा, इसको करने से ये होगा कि हमारे को एक वो पता चल जाएगा कि कौन से खर्चा कौन से हेड में आता है, 33,000
प्लस 38,000। बाकी आपको ना पेपर के अंदर इतना वो नहीं आता कि इतने सारे खर्चे आ गए, लिमिटेड खर्चे आते हैं और उसमें लिखा भी होता है, पढ़ते समझ में आता है ये फैक्ट्री का ही है उसका है। जो नहीं समझ में आता उसके लिए मैंने आपको लिखवा दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे नए नए खर्चे आते रहेंगे, हम ऐड ऑन करते रहेंगे, हमारे दिमाग में सेट करते रहेंगे, यही होता है, इसी तरीके का प्रोसेस है सारा। प्रोडक्टिव वेजेस अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखो ये तो हो गया एक दो खत्म, प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव सारा फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ दो, लिख लोगे आप, मैं अमाउंट डाल देता हूं। तो यहां पे मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में अमाउंट डाल दे रहा हूं, लिख आप लीजिएगा 10,500, 7,500, 2,200, 10,500, 7,500, 2,200, 1,500, 4,400, 3,000, 1,000, 1,500, 4,400, 3,000 और 1,000, साथ साथ लिख लेना नहीं तो भूल जाओगे कहां था। वैसे तो मैंने लिख दिया ये, अगर आपके पास बिके तो आप भी लिख दीजिए ये जो मैंने लिखा हुआ है, फिर कभी नहीं भूलोगे। ये है फैक्ट्री 500, ऑफिस कॉस्ट है और 500, यहां पर लूज टूल था एक, ये 750 और 600, 500, 750, 600। अभी और है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट इधर देखिए, एक और था यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना था प्लांटर मशीन भी, ये रहा फैक्ट्री इंश्योरेंस 1,100 और एक ही रहा प्लांटर मशीन पर डेप्रिसिएशन 2,000, तो 1,100 और 2,000। बस मैंने तो वो लिख दिया ना, बस आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पर, और नाम लिखने का टोटल करना है, यहाँ पर लिखना है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को WIP, क्लोजिंग स्टॉक को WIP नहीं है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ तो नाम लिख सकते हैं ना दोस्त, इसको भी मुझे लिखवाना पड़ेगा कैसा हो, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। 71,000, 10,500, 7,500, 2,200, 4,900, 4,900, 3,000, 1,000, 500, 750 और 600, 1,100 और 2,000, 1,06,550। एक मिनट, यहाँ मुझे गड़बड़ लग दिया है क्या, ये 4,400 49,000 है, अरे 4,400 है, एक मिनट दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 49 लिख दिया, ये 4,400 है। यहाँ पर दोस्त एक और चीज़ आएगी, यहाँ पर मेरे को पिछली बार मैंने करेक्ट कराया था, जब मैं पिछली बार क्लास ली थी तब करेक्ट कराया था, यहाँ पर ना एक 800 रुपये और आएगा, ये वाला एस्टिमेटेड एक्सपेंस, ये वर्क है तो मैंने फैक्ट्री पे लिख लिया, इसको गलती कर दी मैंने, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा ना, वर्क लिखा हुआ है ऑफिस नहीं, तो 800 आएगा यहाँ पर, अप कर लो टोटल तो आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एक चीज़ भूल गया डालना बस, अरे यहाँ पर ना दोस्त वर्क लिखा था तो मैंने ऑफिस कॉस्ट मान लिया इसको, ये जब ये फैक्ट्री कॉस्ट था ना, इसको ठीक कर लीजिए आप, वर्क लिखा है तो फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ लेंगे, कितना है ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ कि गलत ना हो गया हो। हमने 10,500 डाला, ठीक है, 7,500 डाला, 2,200 डाला, 1,500 डाला, 10,500, 7,500, 2,200, 1,500, ठीक है सर। इसके बाद हमने 4,400 डाला फैक्ट्री कॉस्ट, 3,000, 1,000, 4,400, 3,000, 1,000, ठीक है। फिर हमने डाला 500 रुपये फैक्ट्री के चार्ज कॉस्ट, फिर हमने 800 डाला, ये 500 यहाँ डाला और 800 यहाँ डाल दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने लूज टूल का डाला था कितना, 1,750 डाला और 600 डाला, 750 और 600, फिर हमने 1,100 डाला, 1,100 ये नहीं डाला, 1,200 देखो एक रह गया, वाटर सप्लाई भी आएगा 1,200, ऐसे रह जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1,200 हो रहेगा वाटर सप्लाई, ठीक है, 1,200 आ गया, 1,200 आ गया, 1,100 भी आ गया, 2,000 ये वाला ये आ गया, और कहीं नहीं है फैक्ट्री, बस जहां जहां FC लिखा था ना फैक्ट्री कॉस्ट वो आ गया, जोड़ देंगे सर दोनों को, ये आ जाएगा 1,08,050 नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर हम क्या करेंगे, देखो क्या क्या आएगा सर, जहां जहां ऑफिस लिखा था, एक तो ये रहा ऑफिस, 2,000 रुपये क्या आ जाएगा, 2,000 एक आ गया, इसके बाद और कहां था ऑफिस, 200 रुपये सेंट्री ऑफिस एक्सपेंस, 200 ये आ जाएगा, और ऑफिस स्टेशनरी 900 यहां आ जाएगा, और देखो कहां कहां ऑफिस था, 500 रुपये ये 1,200 आ गया, हो गया 500, 500, 400, ठीक है जी, 500,
500, ये आपको ना इनके नाम लिखने हैं दोस्त, 500, 500, 400। फिर ऑफिस कहाँ है, ये रहा 1000 ऑफिस का, बैंक चार्जेस पे एक ऑफिस था 1000 और बैंक चार्जेस पे एक ऑफिस था 50, 1000 और 50। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वगैरह नहीं है। ऐड कर देंगे 2000, 200, 900, 500, 500, 400, 1000 और 50, 113,600, ये आ गया 113,600। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बताइए सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखिए यहां तो कहीं अब सब खत्म हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसी लाइन पे था, एक तो ये रहा 300, एक ये रहा 200 और एक ये रहा 300, 300, 200, 300। कुछ नहीं करना, ब्रेकअप करना है बस, 1500, 700 और 1500, 1500, 700 और 1500 ऐड, 113,600 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 300, 1500, 700 और 1500, ये आ गया 118,100। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है सर। और ऐड कर देंगे लास्ट में प्रॉफिट, वो आ जाएगा सेल, प्रॉफिट कितना है जी, क्या बताने निकालने, टोटल कॉस्ट पर टन निकालना था, बस कॉस्ट ही कॉस्ट बतानी थी बस, प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं बताना था। या तो सेल दे तो प्रॉफिट निकाले, या प्रॉफिट देगा सेल निकाले, कॉस्ट पर टन ये तो टोटल कॉस्ट है, और हमने टन कितना कर लिया, कितना टन हमने प्रोड्यूस करा, टन प्रोड्यूस क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट में कि हमने इतना टन प्रोड्यूस करा, लास्ट में एक लाइन दे रखी थी, द टोटल आउटपुट फॉर अ पीरियड हैज बीन 14,775 टन, 14,775 टन प्रोड्यूस करा है। तो मैंने कहा कॉस्ट पर टन कैसे आएगा, कॉस्ट पर टन कैसे आएगा, 118,100 डिवाइड बाय 14,775, भाई कॉस्ट टोटल कॉस्ट अपन में टोटल यूनिट 14,775, तो आ जाएगा 7.99, दैट इज 8 रुपये पर यूनिट। आंसर देखिए, देखो मेरी प्राइम कॉस्ट आई थी 71,000, चेक करते हैं, ठीक है सर, ठीक है, 1,08,050 थी फैक्ट्री कॉस्ट, 1,08,050 है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स बोल दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, या कॉस्ट ऑफ, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है नहीं, तो वो नील नील तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स बन जाएगा, 113,600, 113,600, 118,100 आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि टोटल कॉस्ट कहते हैं, 118,100 और फिर पर यूनिट आ गया 8 रुपये, मतलब 7.99 आ रहा था, तो मैंने 8 रुपये पर यूनिट कर दिया अप्रोक्सीमेटली। लो जी खत्म हो गई दोस्तों आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हमने सारे एक जो कॉन्सेप्ट रह गया था फिनिश वो भी सीख लिया, और क्वेश्चंस भी कर लिए ट्राई। चलो खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।